वैसे तो ऐसी कई जगहें होती हैं जहां जाने से आम लोग भी डरते हैं, लेकिन नेताओं के लिए भी कुछ जगहें शापित हो सकती हैं। ऐसा सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आप भले ही इसे अंधविश्वास माने, लेकिन यह सच है कि देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां जाने से बड़े नेता डरते हैं। आज हम आपको उन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाना नेताओं के लिए अपशगुन भरा माना जाता है। यहां जाने के बाद या तो उनकी कुर्सी छिन जाती है या फिर उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। नोएडा, यूपी का एक शहर। यहां की गगनचुंबी इमारतें और मॉल कल्चर किसी को भी यहां बार बार आने के लिए मजबूर कर दे, लेकिन इसी राज्य का मुख्यमंत्री शायद ही यहां आना चाहे। ऐसा माना जाता है कि यहां आने के बाद उस मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाती है। नोएडा के इस मिथक की शुरुआत 1988 में हुई जब वीर बहादुर सिंह नोएडा आए और विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। वीर बहादुर सिंह के हटने के बाद नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने। वह भी नोएडा के सेक्टर 12 स्थित नेहरू पार्क का उद्घाटन करने वर्ष 1989 में आए। इसके कुछ समय बाद ही वह भी मुख्यमंत्री पद से हट गए। समय समय पर मध्यवर्ती चुनाव में नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव को नोएडा आने के बाद इसी तरह हार का सामना करना पड़ा। साल 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नोएडा के सेक्टर 40 स्थित खेतान पब्लिक स्कूल का उद्घाटन करने आए। यही नहीं, उन्होंने यहां मंच से यह भी कहा था वह इस मिथक को तोड़ कर जाएंगे कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही वो मुख्यमंत्री पद से हट गए। आलम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री नोएडा आने से डरने लगा। साल 2000 में जब DND फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ तो यूपी के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को नोएडा आना था, लेकिन वो शायद अपनी कुर्सी जाने से डरते थे और इस अभिशाप में उन्हें पूरा विश्वास था, लिहाजा उन्होंने नोएडा आने की बजाय दिल्ली से ही इसका उद्घाटन किया। ऐसा ही कुछ BSP प्रमुख मायावती के साथ भी हुआ। साल 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने पहुंची। उसके बाद उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। मायावती के सत्ता से हटने के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वह अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इस औद्योगिक शहर में नहीं आए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा आकर इस मिथक को भी तोड़ा है जो पिछले 29 सालों से चला आ रहा है। उधर स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पूरी तरह से अंधविश्वास है। नोएडा जैसा ही अंधविश्वास मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले से भी जुड़ा है, जिसके मुताबिक जो भी मुख्यमंत्री यहाँ के जिला मुख्यालय आता है उसे सत्ता गंवानी पड़ती है। सबसे पहले 1975 में प्रकाश चंद सेठी, 1977 में श्याम चरण शुक्ल, 1984 में अर्जुन सिंह, 1993 में सुंदरलाल पटवा और 2003 में दिग्विजय सिंह वहाँ गए थे, जिसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। सिर्फ नोएडा और अशोक नगर ही नहीं, देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां बड़े नेता अंधविश्वास की वजहों से नहीं जाना चाहते। उज्जैन इनमें से एक है। उज्जैन को लेकर यह पुराना अंधविश्वास है कि राज परिवार का कोई सदस्य या मुख्यमंत्री यहाँ रात नहीं गुजारता। सिंधिया परिवार के सदस्य इसी मान्यता की वजह से यहाँ रात को नहीं रुकते। मुख्यमंत्री और बड़े मंत्री भी ऐसा ही करते हैं। उज्जैन सिंहस्थ के दौरान भी यह देखने को मिला। मुख्यमंत्री दिन भर तो यहाँ रहते हैं, लेकिन शाम होते ही भोपाल लौट जाते हैं। इसके पीछे यह धारणा है कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं और एक जगह पर दो राजा नहीं रह सकते। मध्य प्रदेश में ही कामतगिरी पर्वत के ऊपर से भी नेताओं के हेलीकॉप्टर नहीं गुजरते। इसके पीछे मिथक है कि भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान यहाँ समय गुजारा था, लिहाजा जो भी इसके ऊपर से गुजरता है उसकी बर्बादी तय होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के दौरान यहां का दौरा कभी नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि इछावर उनके गृह नगर सीहोर में स्थित है। हालांकि इछावर से जुड़े मिथकों का भी एक इतिहास है। कैलाशनाथ काटजू को 1962 में इछावर का दौरा करने के बाद अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद द्वारका प्रसाद मिश्र 1967 में और कैलाश जोशी 1977 में, वीरेंद्र कुमार सकलेचा 1989 में और दिग्विजय सिंह 2003 में कुर्सी गंवाकर इछावर के दौरे से जुड़े मिथक को बनाए रखते गए। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दिग्विजय सिंह ने नवंबर 2003 में इछावर का दौरा मिथक को तोड़ने के लिए ही किया था, लेकिन दौरे के बाद वह सत्ता से बाहर हो गए और यह डर आज भी कायम है। तमिलनाडु के तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर से भी ऐसा ही अंधविश्वास जुड़ा है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर में जो भी राजनेता जाता है कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है।
इस अंधविश्वास को तब हवा मिली जब 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और तमिलनाडु के सीएम एमजी रामचंद्रन को एक स्ट्रोक झेलना पड़ा। दोनों शख्सियतों ने ही इससे कुछ दिन पहले ही मंदिर के मुख्य गेट से प्रवेश किया था। तब से किसी भी राजनीतिज्ञ ने मंदिर के इस गेट से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यहाँ तक कि खुद को तर्कवादी और नास्तिक मानने वाले एम करुणानिधि ने भी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 1997 में मंदिर के साइड वाले दरवाजे से मंदिर में प्रवेश किया था।